हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगी बच्चों की ऐसी चीजें जो कि आपको बहुत काम आ सकती है डेली लाइफ में। और ये सारी चीजें मैंने पर्सनली मेरे बच्चे पे यूज की है और उसके बाद मैं ये रिव्यू दे रही हूँ। ये सारी चीजें मैंने अमेजोन से खरीदी है और कुछ लोकल स्टोर से, तो मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी जो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सी चीजें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। हर बच्चे का अलग अलग अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, तो उसमें बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये सारी बच्चों पे ये सूट हो ही जाती है। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लगेगी आपके घर में डे टू डे लाइफ में और आपकी लाइफ इजी बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये बॉटल है, पानी की बॉटल बेबी के लिए। हम लोग ने ये लव लैप का ब्रांड का ये खरीदा था अमेजोन से, और ये बहुत ही अच्छा बॉटल है। और इसका रिव्यू मैंने बहुत सारा रिसर्च करके अमेज़ॉन पे, वैसे सारी चीज़ें मैंने अमेज़ॉन पे रिव्यूज़ पढ़ पढ़ के ही ली है, और ये मेरे को जैसे रिव्यूज़ थे उसके हिसाब से ही इसका रिजल्ट मुझे मिला है। मैंने ये पर्सनली 9 मंथ्स अभी मेरे बेबी को होने आए हैं, मैंने ये मेरे बेबी जब ही 5 मंथ्स का था तभी मैंने खरीदा था, लेकिन तभी वो इतना नहीं उससे पी पाती थी। बट आफ्टर 7 मंथ्स इसका मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। इससे हमको ये फ़ायदा होता है कि बेबी जब भी पानी पीता है खाना खाते समय या अदरवाइज दिन में, तो पानी गिरता नहीं है। और ये बहुत ही, और बच्चे लोग इसको ऐसे पकड़ के इसको इजीली इसको ड्रिंक कर पाते, होल्ड कर पाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा BPA फ्री प्लास्टिक का बना हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका ये ऐसा ढक्कन है जिसके अंदर ये ऐसा नोजल दिया हुआ है, और ये भी निकलता है, आप इसको निकाल के पूरा क्लीनिंग कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी इसमें से लीकेज होता नहीं है। बाकी बहुत सारी बॉटल्स हैं जिसमें लीकेज होता है, इसके ऐसे वैसे बहुत रिव्यूज़ थे, बट ये बहुत ही अच्छा है। इसको आप बिल्कुल बिना सोचे समझे ले लीजिए। ये मैंने पर्सनली इसको, सारे बच्चों को ये अच्छा लगेगा। और इसका जो पानी का जो नोजल है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है बेबी को पानी पीने के लिए। सिर्फ इतना ही इसका ये है कि ये 7 मंथ्स के बाद बच्चा ठीक से पी पाता है, उसके पहले तो बेबी दूध माँ का दूध ही पीता है। और हम लोग चम्मच और वाटी से उसको पानी पिलाते हैं या खाना खिलाते हैं। तो इसको बाद में, ये जब भी बेबी बड़ा होगा तभी इसका ज़्यादा यूज़ होगा। फिर यहाँ पे दूसरा इसेंशियल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये ग्रूमिंग सेट है बेबी का। और बेबी का ग्रूमिंग सेट में जनरली हमको नेल कटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है नेल कटर। तो नेल कटर को आप आपके ग्रूमिंग सेट में आप होगा और आप उसे लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। बेबी के नेल्स बहुत बार बार बढ़ते हैं, उसको हमको काटना पड़ता है, और ये बहुत ही अच्छा वाला है। ये भी मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, ये बहुत ही सस्ता था, हार्डली मैंने 250 रुपीज़ का लिया था। और इसका जो नेल कटर बहुत ही अच्छा है, हैंडी है। इसके साथ एक सीज़र भी मिली है। इसका देखिए ये जो टिप है वो बेबीज का सीज़र है, पर्टिकुलरली उनको कोई डैमेज ना हो इसीलिए कुछ कट करते समय। और इसके साथ ये फाइलर भी मिला हुआ है नेल्स को शेप देने के लिए, या फिर उसका जो शार्पनेस होता है वो कम करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा है। और फिर ये एक कोई उसमें चीज़ है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, पता नहीं मुझे इसको कैसे यूज़ करते हैं। आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। सो ये तो मैं यूज़ नहीं करती, बट अदरवाइज ये बाकी 3 चीज़ें जो है इसमें, सीज़र, फाइलर और नेल कटर, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा है। आप और ये बहुत ही देखो छोटा सा है, ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करता है कहाँ पे आपको, और ये अच्छे से पैक भी हो जाता है। सो आप इसे ले सकते हो, बहुत अच्छा ग्रूमिंग सेट है ये। इसका ब्रांड का नाम मुझे पता नहीं, मैं लेकिन इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। सारे प्रोडक्ट्स की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखने वाली हूँ, तो आप उसे अगर खरीदना चाहते हो तो आप उसे खरीद सकते हो। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि ये है बेबी को फ्रूट्स का, अगर हमें अगर देना है तो उसको हम कैसे दे सकते हैं उसमें, या इसमें ऐसे डालकर इसको यहाँ पे इसका ढक्कन है और फिर इसको यहाँ पे ऐसा ये खुल जाता है। इससे इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बट ये यहाँ पे आप कोई भी पोमोग्रेनेट हो या कोई भी मैंगो के पीसेस हो कट करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इसे बंद करके फिर आप यहाँ पे बच्चा फिर इसे पूरा दिन लेके इसको स्क्वीज कर करके उसमें से जूस पी सकता है। और ये
मतलब उन बच्चों को इसको चलते फिरते घूम खेलते खेलते भी ये आपके बच्चों को फ्रूट्स देना है तो ये बहुत काम आएगा। लेकिन मेरा बेबी पर्सनली इसको नहीं यूज़ करता है, वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेती है मेरी बेबी इसको। एक दो बार मैंने बहुत बार ट्राई किया उसे ये देने का, बट उसने इसे मतलब उसको समझा ही नहीं कि ये कैसे लेना है, और वो फेंक देती है या फिर उसको एज अ खिलौना की तरह इसे खेलती है। सो ये मुझे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। सो ऑप्शनल है आपके बच्चे को, अगर ये आपको लगता है तो आप इसे यूज़ कीजिए और मुझे बताइए अगर आप ये यूज़ करते हो आपके बेबी को कैसे सूटेबल हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। फिर दूसरा है बेबी पैसिफायर। पैसिफायर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है कि यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मदर्स को रहता है कि इसे यूज़ करेंगे तो कुछ नुकसान होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, बेबी आदत पड़ जाएगी या फिर बेबी के दांत आगे आ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पैसिफायर के ऊपर, जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी मैं बना सकती हूँ। लेकिन ये अगर आप रखोगे आपके बेबी के इसेंशियल्स में, ये इसेंशियल नहीं कह सकते, ये नॉन इसेंशियल भी है, बट इससे ये कभी कभी आपको बहुत काम आएगा। जैसे अगर आप कभी बाहर गए हो तो आपको अगर एकदम इमरजेंसी हो और बेबी अचानक से रोने लगे, तो आप थोड़ी देर के लिए बेबी को इसे लगा के चुप करा सकते हो। और जब भी आप एयर ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में जब आप ट्रैवल करते हो बच्चे को लेकर, तो बेबीज बहुत रोते हैं बिकॉज़ वो उनको एल्टीट्यूड की वजह से कान में दर्द होता है। तो वो दर्द नहीं होने के लिए पैसिफायर सबसे बेस्ट थिंग है। तो उस टाइम पे इसके आप यूज़ कर सकते हो। और इसे कंटिन्यूसली नहीं लगाना चाहिए, या फिर इसे रात को सोते समय हम लोग लगा के सोते हैं। मेरा मेरे से भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि इसे अवॉइड करें, बिकॉज इससे दांत आगे आने का, दांतों का जो अलाइनमेंट होता है बेबीज़ का, टीथ का, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा कहा जाता है इसे। मुझे पता नहीं, बट बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं, बट हम लोग थोड़ा इसे रेस्ट्रिक्टेड ही यूज़ हम लोग ने इसे किया, एकदम इमरजेंसी में ही हम इसे यूज़ करते हैं। तो बट ये भी आप एक रख सकते हो, ये आपको कभी कभी इमरजेंसी में काम आएगा। और ये वाला जो मैंने लिया था वो मैंने फिलिप्स एवेंट कंपनी का लिया था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है। और ये इसका प्राइस आई थिंक 400 रुपीज़ के आसपास कुछ तो था। इसकी भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ने एक बेबी के लिए ये एक प्ले मैट लिया हुआ था, प्ले मैट जो कि ये बहुत ही बड़ा है, 6x4 का ये प्ले मैट है, और वो बहुत ही ये अच्छा प्ले मैट है। और ये इस पे जब भी आपका बेबी स्टार्टिंग में इसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बेबी हमेशा बेड पर ही रहेगा या हमारे पास ही रहेगा, तो पहले पे इसका कुछ यूज़ नहीं होता, बट जब भी बेबी टर्न होने लगता है या फिर क्रॉलिंग करने लगता है या खेलने लगता है, तभी आपको इसका बहुत अच्छा यूज़ होगा। और ये घर में हम अगर रखते हैं तो अच्छा भी दिखता है, अट्रैक्टिव भी दिखता है, और इसके ऊपर सब पिक्चर्स है, कलर्स है, फ्रूट्स है, और बहुत सारा इस पे एनिमल्स है। यहाँ पे अलग अलग पीछे डिज़ाइन भी दिया हुआ है गार्डन का, जिसमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स की डिज़ाइन है। तो ये सब बच्चे लोगों को देख के काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, इसके ऊपर खेलने के उनको मज़ा आता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये किसी फाइबर पॉलिस्टर जैसा कोई मटेरियल है, बहुत अच्छा है। और ये सॉफ्ट है, इसके अंदर फोम है, अगर इस पे बच्चा खेल के अगर गिरता भी है तो भी उसे कुछ लगेगा नहीं ज़्यादा। और इसके ऊपर अगर पानी भी गिरता तो आप इजीली इसे साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है ये, आप इसे बिल्कुल लीजिए, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। और ये बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी मेरे बेबी का, मेरे घर में जब मैंने लगाया और मेरी बेबी खेल रही है, तो आपको देखिए यहाँ पे, तो फिर बहुत अच्छा है वो, आप प्लीज़ लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। और फिर यहाँ पे एक है ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर है जो कि बहुत ही मैजिक रेमेडी है ये बच्चों के लिए, और ये अच्छा भी है। बेबी के पेट में जो गैस रहता है, बच्चे लोगों को डाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है बचपन में, तो इन दैट केस बच्चों को गैस रिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम होम रेमेडीज़ भी करते हैं, हींग वगैरह लगाना या बाकी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं पर हो और इमरजेंसी है, तो आप इसे ज़रूर एक स्पून आप उसे देकर, आपको आपके बच्चे का इमीडिएट उसको रिलीफ मिलेगा इससे। तो ये वुडवर्ड्स का है जो कि सबसे अच्छा ब्रांड है, और ये हर्बल है टोटली, मतलब ये नेचुरल
प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो इसीलिए इसके वजह से कोई हार्म नहीं है इसे देने में। तो आप ये भी एक इसेंशियल चीज़ों में बच्चों के होना चाहिए। और फिर दूसरा, हम लोग ने एक बेबी के लिए ऐसा एक चेयर लिया हुआ था, ये भी बहुत अच्छा चेयर हम लोग ने अमेज़ॉन से लिया है। और ये इसका स्पेशलिटी है कि देखो ऐसा दिखता है, और इसे आप एज अ झूला बनाकर भी इसे रख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे ये सब बेल्ट दिए हुए हैं इसे एज अ झूला। इसके बड़े लंबे लंबे बेल्ट है जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, बट इसको देखो यहाँ पे हुक्स दिए हुए हैं, इसके सहारे आप इसको झूले की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल इसको इसमें बिठा के बेबी इसमें आपको अगर कुछ वो खाना खिलाना है या उसे वो कुछ खेलना है तो इसमें बैठ के खेल सकते हो। जब ये बड़ी होगा, बड़ा होगा बेबी, तो वो इस पे बैठ के आराम से खाना खा सकता है, और ये 2-3 साल तक आराम से ये यूज़ होगा बच्चों का। अभी फ़िलहाल इतना यूज़ नहीं होता है बेबीज़ जब भी छोटे होते हैं तभी, बट ये जब भी बड़े होंगे बच्चे तब इसका काफ़ी यूज़ होगा। और ये इसके साथ ही ऐसा एडजस्टेबल ये दिया हुआ है कि आप इसको आगे पीछे कर सकते हो बेस्ड ऑन द सिटिंग अरेंजमेंट बेबी का जो भी रहेगा। और यहाँ पे पीछे सपोर्ट भी है उसके लिए, ये पीछे की तरफ से ऐसा है, यहाँ पे अलग अलग ये सब बेल्ट दिए हुए, बट ये काफ़ी अच्छा है। हम लोग इसमें बेबी को यहाँ इसमें बिठा कर खाना खिलाते हैं उसको यहाँ पे, और बेबी फिर शांति से एक जगह पे बैठ के खाना भी खा सकता है, बिकॉज़ जनरली बेबीज़ जो रहते हैं वो मूव करते हैं यहाँ से वहाँ खाना खाते समय, और हमको उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो इन दैट केस अगर इसमें बैठा है बेबी तो आप इसको या इसमें बिठा के वो आराम से बिना हिले बिना डिस्टर्ब हुए अच्छे से खाना खा सकता है। तो स्पेशली ये खाना खाने के लिए, और बाद में इसका तो बच्चे लोग जब भी बड़े हो जाएंगे तो उसे बैठ के टीवी देखेंगे या बाकी कुछ खेलना कूदना उस पर करेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर और एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि बेबी बाथटब। बाथटब जो है वो मुझे इतना उसका यूज़ हुआ है कि सबसे ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगी कि बच्चे लोगों के लिए, आपके घर में अगर आपको आप अकेले हो या फिर आपको बेबी को नहलाने के लिए कोई हेल्प नहीं है, या फिर आप थोड़े डर रहे हो बेबी को नहलाने के लिए पानी में अकेले, तो आप उसको बाथटब में एकदम रिलैक्स होके उसको नहला सकते हो। मैंने मेरे बेबी को जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको बाथटब, उसमें मैंने 2 मंथ्स, जब वो 1 मंथ 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे तो 3rd मंथ जब भी स्टार्ट हुआ था उस दिन से मैंने उसको खुद ने मैंने मालिश की थी, तो मालिश और नहलाया था मैंने उसे। मैंने जो हमारे पहले आते थे मालिश करने के लिए उनको हम लोग ने 2 मंथ्स के बाद हम लोग ने उनको मना कर दिया था, तो मैंने खुद ही उसे बच्चे को मालिश और नहलाया था। तो उस बाथटब के वजह से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं बिंदास बेबी का नेक का सपोर्ट भी नहीं होता तब भी से भी मैं उसको नहला रही हूँ उस बाथटब में, वो बहुत अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगी। और आप उसे ज़रूर लीजिए, और अगर बेबी बड़ा भी होता है तब भी उसका आप यूज़ कर सकते हो। मेरे को अभी 9 मंथ्स हो गए बेबी को उसमें रखे हुए, मेरे बेबी को 9 मंथ्स, और मैंने 2nd मंथ से यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 7 महीने मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, उसका क्वालिटी अच्छा है और उसका बेबी के लिए परफेक्ट है, और बड़ा होने के बाद बेबी उसमें बैठ के खुद भी पानी भर के उस बाथटब में एंजॉय करके नहा भी सकता है जब बेबी बड़ा हो जाता है तभी। तो मैं चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कितना कैसा है बाथटब, और इन सारे प्रोडक्ट्स की मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ, और आप प्लीज़ उसे जाके उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसे बाय कर लीजिए। बहुत ही सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, मैंने बहुत रिव्यू करके और पर्सनल एक्सपीरियंस से यूज़ करके मैं ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ। एक दो चीज़ें जैसे मैंने बोली जो कि लिमिटेड यूज़ है, बट बाकी सब चीज़ें जो है आपको डेली रूटीन में यूज़ आएंगी। वैसे तो बहुत सारी बेबी की चीज़ें हैं, बट मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए कुछ बेसिक्स चीज़ें ही मैंने उठाई हैं। और इसमें आप बेबी की वाटर बॉटल नहीं सॉरी मिल्क की बॉटल, दूध की बॉटल ऐड कर सकते हो, तो वो भी आप कोई भी चीको या कोई भी अच्छे ब्रांड की आप बॉटल ख़रीद सकते हो, और उसमें बेबी को दूध पिलाने के लिए हमें वो बहुत काम आती है, उसके तो अपने को 2-3 सेट रखने पड़ते हैं बेबी बॉटल के, तो वो भी एक बेसिक चीज़ है जो कि आप सबको पता ही है। और ये सब बाकी की चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की है, तो आप बताइए आप आपके बेबी के लिए कौन सी चीज़ें आप यूज़ करते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाथटब कैसा है। ये देखिए ये है बाथटब, और ये देखो इसके अंदर ये है स्लिंग चेयर, इसके अंदर ऐसा स्लिंग चेयर है जिसके वजह से हमको बेबी को कोई भी उसका जो नेक है उसको सपोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर ऐसा ये पूरा बाथटब है
अभी ये बहुत यूज़ हुआ है, अभी इसको क्लीनिंग करने का एक्चुअली टाइम आ गया है। और देखो इसमें बेबी स्लिप ना हो करके यहाँ पे एंटी स्लिप एरियाज भी दिए हुए हैं, और यहाँ पे ऐसे नोज़ल है, इसको ढक्कन भी है जो कि मैंने बाहर रखा हुआ है, तो उसको ढक के आप इसे पूरा बेबी को पानी भर के उसमें वो खेल भी सकता है बेबी इसके अंदर। और देखो इस तरह से यहाँ पे आप इस यहाँ पे साबुन वगैरह जो भी रखना है, खिलौने वगैरह बेबी के, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और ये भी एक अच्छे ब्रांड का ही लिया है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और ये नीचे से ऐसा है और ये काफ़ी बड़ा है, का एकदम इनफ है स्पेस बेबी के लिए, 2-3 साल तक तो आराम से इसमें बेबी नहा सकता है। और ये स्लिंग चेयर तो बाद में हम निकाल सकते हैं, बट बाकी का जो टब है वो काम आएगा। तो आप इसे आप ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप लीजिए आपकी बेबी के लिए, ये बहुत ही अच्छा है, आपको ये काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मैं बेबी रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आपके लिए मैं आऊँगी, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।